फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी 7 बजे हैं। तो आज की गोवर्धन पूजा करनी होती है हम लोगों को। जैसे दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है लक्ष्मी पूजा के बाद, तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। और पूरा ब्लॉग जो मैं आधे दिन का दिखाऊंगी, पूरे दिन का तो नहीं दिखा सकती क्योंकि इतना काम है आज, तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको आधा ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने पूजा कल रात को जो की थी, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। दिवाली की पूजा इतना काम होता है, तो कोशिश की है मैंने आज का वीडियो बनाने की। और प्लीज़ कुछ मिस्टेक हो जाए तो, क्योंकि ब्लॉग में मैं थोड़ी सही से नहीं कर पाती, सीख जाऊँगी धीरे धीरे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो पूजा का टाइम हो रहा है, सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद करने जाने वाली हूँ मैं पूजा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और पूजा करने से पहले मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले फटाफट से मुझे तैयार होना है। पूजा के बाद आज भोग लगता है मूली की सब्जी का, तो उसके लिए मैंने मूली ली है यहाँ पर, और इसको उबालने के लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। तो अच्छे से मैं इसे उबाल लूँगी, ढक्कन लगा देती हूँ। तो ये उबल के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है। और फ्रेंड्स, इसे उबालने से पहले आप अच्छे से 3-4 पानी निकाल के अच्छे से धो लेना चाहिए मूली को। और आज माना जाता है कि मूली को शुभ माना जाता है, तो हम लोग मूली का जो सब्जी बनता है उसी का भोग लगाते हैं। तो मैंने आज मूली को अच्छे से उबाल के, और अब मैं इसके 2-3 पानी और निकालूंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। अच्छे से जैसे हम धनिया पालक धोते हैं उसी तरह मूली को धो लेना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है मूली। तो इसीलिए आज मैं मूली की सब्जी बना रही हूँ। तो अच्छे से मैंने इसको उबाल लिया है, और अब मैं इसको जो है पानी इसका निकाल रही हूँ ताकि इसमें पानी कम रहेगा तो सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे काचर,
अगर ये मिल जाए तो ठीक है, वरना सूखा हुआ काचर भी आता है मार्केट में, आप वो भी ला सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दो चम्मच, बड़ा वाला चम्मच जो है ऑयल लिया है मैंने। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। तो जब जीरा अच्छे से सिक जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हींग दे दी है। और अब मैं इसमें ये जो काचर मैंने कटिंग किया था उसको मैंने इसमें दिया है। इसको भी अच्छे से धो लीजिएगा आप, मैंने धो लिया है इसको। और उसके बाद इसमें दूंगी थोड़ी सी हल्दी, तो 1 चम्मच मैंने हल्दी दी है और 2 चम्मच मैंने नमक दिया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से अपने स्वाद अनुसार दे दीजिए। अब अच्छे से इसको पका लेना है ताकि ये सिक जाए अच्छे से, क्योंकि मूली हमारी उबल चुकी है, तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं सिक पक जाने के लिए छोड़ दूंगी। तो इस सबसे पहले मैं इस पे ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से जो है काचर जो मैंने डाला है वो अच्छे से सिक जाए। तो 5 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद ये पकने के बाद मैंने इसमें 2 बड़ा वाला चम्मच नहीं डालना है आपको, 2 छोटा वाला चम्मच मैंने मिर्ची डाल दी है। और उसके बाद मैंने दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। और अब मैं इसमें जो है धनिया बाद में दूंगी, क्योंकि जो मिर्ची है वो थोड़ी सी अच्छे से सिक जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने मूली धो के रखी है वो उसमें जो है इसमें डाल दूंगी। तो अच्छे से जो मेरी मूली जो है वो मैंने बॉईल किया था वो इसमें डाल रही हूँ, ताकि मेरी सब्जी जो है अच्छे से रेडी हो जाए, अच्छे से जो काचर मैंने डाला है वो मिक्स हो जाए। इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके इस पे भी थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका। इसमें आप काजू, बादाम, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंपल ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिर्ची और दी है, क्योंकि मुझे लगता है मिर्ची कम है इसलिए मैंने थोड़ी सी और दी है। अच्छे से इसे मैं जो है पका लूँगी। और उसके बाद इस पर थोड़ा सा जो पानी मैंने डाला है वो अच्छे से पक जाएगा। तो मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए गैस पे ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि ये मेरी जो सब्जी है वो बन के रेडी हो जाए।
तो फ्रेंड्स मैंने सुबह का खाना बनाने के बाद जो है ब्लॉग बंद करना पड़ा, क्योंकि आज मेहमान आते रहते हैं और चाय कभी कॉफ़ी कभी नाश्ता, तो इसी वजह से मैं बिज़ी हो गई थी। अब शाम का टाइम फिर से हो चुका है, तो यहाँ पे शाम को फिर से थोड़े दिए किए जाते हैं, तो मैं भी थोड़े से जो दिए हैं वो अलग अलग, जैसे हमारे मकान होते हैं, किचन होता है, रूम होता है, सब में सजाते हैं और थोड़े से दिए जो है वो किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़े से दिए कर रही हूँ। और उसके बाद जो है बच्चे थोड़े से पटाखे छोड़ लेते हैं और बस इसी तरह ये त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे पटाखे यहाँ पे फोड़ रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली।